हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY अकेडमी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा दसवीं की जो फर्स्ट पोएम है, जिसका नाम लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव है। इसको हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे हिंदी में। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यदि आप कोचिंग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो आप हमारे वीडियोज़ देख कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आती है, आप उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि यदि आपका कभी गैप हो जाता है स्कूल में या कोचिंग में, तो भी आप हमारे वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हैं। और यदि आप कोचिंग पढ़ते हैं, स्कूल में यदि पढ़ाया जाना है कोई ये पोएम, तो इसको पहले समझ के जाइए, ताकि आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसका जो पोएम है उसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, यानी कि इसका जो भावार्थ है वो है अपने प्रेम के दीपक को जलाइए। इन माई हाउस विथ थाइन ऑन हैंड्स, यह जो पोएम है इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और यहाँ पर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इन माई हाउस, मेरे शरीर रूपी घर में, यहाँ पर जो हाउस है उसका भावार्थ है शरीर में। इन माई हाउस, मेरे शरीर रूपी घर में, विथ थाइन ऑन हैंड्स, हे ईश्वर तुम अपने हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, प्रेम रूपी दीपक को जलाओ। मेरे अपने प्रेम रूपी दीपक को जलाओ। थाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, थाई, और यहाँ पर आप देखें कि ट्रांसम्यूटिंग है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, ये हमसे यहाँ पर गलती हो गई है और हमने इसको ध्यान में नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो एन है यहाँ पर एम होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको आप ख्याल रखेंगे। थाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो तेरा दीपक है, जो बदलाव करने वाला जो दीपक है, ईश्वर से कह रहा है कभी कि तेरा ये जो बदलाव करने वाला दीपक है, कायाकल्प करने वाला दीपक है, इंट्रेंसिंग का मतलब होता है मोहित करने वाला है। वंडर्स आर इट्स रेज, और इस दीपक की जो किरणें हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका फर्स्ट स्टेंजा था। अगला जो स्टेंजा है उसमें हम चल के देखते हैं। अगला स्टेंजा है चेंज माई डार्कनेस टू थाई लाइट लॉर्ड, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हे प्रभु चेंज माई डार्कनेस टू थाई लाइट, मेरे अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसे अपने प्रकाश में बदल दो। चेंज माई डार्कनेस टू थाई लाइट, मेरे अंदर जो अंधकार है, मेरे अंदर जो अज्ञानता है, उसे अपने प्रकाश में बदल दो। एंड माई एविल इंटू गुड, और मेरी जो बुराइयाँ हैं उसे अच्छाइयों में परिवर्तित कर दो। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, यहाँ पर कभी कह रहा है कि टच मी, मुझे एक बार छू लो, एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊँगा। ऑल माई क्ले इंटू थाई गोल्ड, मेरा जो मिट्टी रूपी शरीर है वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यदि एक बार आप इसको टच कर देंगे, एक बार मैं आपकी संगत में आ जाऊँगा, तो मेरा जो शरीर है वो पूर्णतः गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। All the sense lamps that I did light, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे all माने सभी, sense lamps, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी दीपक हैं मेरे शरीर में, यहाँ पर इसका जो sense lamps का जो भावार्थ है वो है ज्ञानेंद्रियों से। हमारे शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरी जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनको मैंने जलाया हुआ है, suited into worries, suited का मतलब होता है काली पड़ जाना, मुरझा जाना या मैली पड़ जाना, into worries, चिंताओं की वजह से ये मुरझा गई हैं, काली पड़ गई हैं, या एक तरीके से कहें कि मृत पड़ गई हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सॉल, यहाँ पर कहा जा रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर तुम मेरी इस आत्मा के द्वार में बैठ जाओ। लाइट थाई रिसरेक्टिंग लैम्प, और इस जो दीपक है, जो जिसने काम करना बंद कर दिया है, ये जो मेरी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं इन्होंने जो काम करना बंद कर दिया है, इनको पुनः से जीवित कर दो। लाइट थाई रिसरेक्टिंग लैम्प, इस दीपक को पुनः से प्रज्वलित कर दो। तो ये फ्रेंड्स एक पोएम है, और ये जो पोएम है ये एक प्रेयर है, और जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो मेरा मानना है कि ये जो पोएम है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अबाउट द पोएम सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ ए सिंपल प्रेयर बाई रविंद्रनाथ टैगोर, यह जो कविता है, यह जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ही प्रेज टू गॉड, वे यहाँ पर प्रार्थना करते हैं,
टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, को कहते हैं कि अपने प्रेम रूपी जो दीपक है उसको जलाओ, ईश्वर से कहते हैं, इन हिज हर्ट्स, अपने हृदय में, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दीपक की जो अद्भुत किरणें हैं वो ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड, वो हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको अच्छाइयों में बदल देंगे, क्ले इनटू गोल्ड, जो मिट्टी रूपी शरीर है उसको स्वर्ण में बदल देगी, एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, और उसे जिंदगी की जितनी भी चिंताएं हैं उससे मुक्त कर देगी, उसे स्वतंत्र कर देंगी, दैट हैव बीन प्लगिंग हिम, जो उसे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जो उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि इस जो पोएम, ये जो पोएम है उसको आप अपनी जो किताब है उसकी पोएम से पूर्णतः मिला लें और सामने किताब रख के स्टडी किया करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यदि फ्रेंड्स आप कहीं पर बाहर हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, और मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझने में भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो यदि फ्रेंड्स ये पोएम है और इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि कोई कमी है तो कमेंट कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।